दमोह जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष रतन चंद जैन एवं शहरी अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ अन्य पदाधिकारियों के द्वारा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा को निकास यात्रा करार दिया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न आरोप भी लगाए गए। क्या कुछ कहा कांग्रेस ने इस प्रेस वार्ता के दौरान आपको सुनाते हैं। मेरे रिपोर्ट एसीएन न्यूज। सरकारी तंत्र का खुलेआम विकास यात्रा में दुरुपयोग हो रहा है, जो कि जनता भी देख रही और आप भी देख रहे हैं कि विकास यात्रा के नाम पर पूरा शासन तंत्र, कलेक्ट्रेट खाली, तहसील खाली, जनपद कार्यालय खाली, यानी जनता भटक रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। जो विकास यात्रा को निकाल रहे हैं उसमें पूरा शासकीय तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और ये जनता की समझ में आ रहा है। आपको भी ये जानकारी बात रही, और रही हाथ से हाथ जोड़ो की बात, तो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम गांव में जाएं, सम्मेलन करें, घर घर भी जाएं, और आदमी से जो आम आदमी उससे हम निवेदन करें कि साहब हमसे क्या गलती हुई जो आप हमें सहयोग नहीं कर रहे। चाहे बुजुर्ग कांग्रेसी हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, हम बराबर उनसे जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं उस पर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ असर तो जनता पर हो रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो में जो लोग घर से नहीं निकलते थे आज वो हमारी चौपाल में आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, बुजुर्ग भी हो रहे हैं, युवा भी हो रहे हैं। हमें तो पूरा भरोसा है कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा सफल है। हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा मुझे और हमारे जिला ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय रतन चंद जी को ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि 22 तारीख को एक पत्रकार वार्ता करना है। उस पत्रकार वार्ता में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं उनको बुला के ये बताना है कि जो विकास यात्रा निकल रही है ये विकास यात्रा नहीं है, ये गलती से छप गया है, इसको निकास पढ़ा जाए। विकास की जगह निकास यात्रा है ये। 2023 में मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निकासी करेगी, और जो इस यात्रा में मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। गांव में सेक्रेटरी को, रोजगार सहायकों को बुला के, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को बुला के उन्हीं का पैसा उन्हीं के द्वारा खर्च किया जा रहा है, और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से वहाँ के CMO को बुला के कहा जा रहा है कि आप कार्यक्रम करवाइए। इस कार्यक्रम से जनता पूरी तरीके से असंतुष्ट है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विकास यात्रा इनकी सफल नहीं है, और उसका परिणाम है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो विधायकों का पूरे मध्य प्रदेश में विरोध देख रहे हैं, कई जगह मंत्रियों को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, विधायकों को तो हटा पथरिया दोनों जगह हम देख रहे हैं, हटा में और अपने जवेरा में, कई जगह पे उनको जवेरा में तो जनता के लोगों को थाने में भी बिठाल दिया, ये हम लोगों ने TV चैनल के माध्यम से देखा। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा नहीं है, ये उनकी 2023 की निकास यात्रा है।